ये बड़ा ड्रीमी सपनों से भरा हुआ सफर है कि एक ऐसे गांव से निकल के जहां बिजली नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आज भी सड़क नहीं है मेरे गांव में, तो वहां से निकल के और मैंने सोचा एक्टिंग करनी है और पहुंच गया मुंबई और करने लगा, तो आसान बड़ा कमाल का सफ़र रहा होगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग सफ़र है और बहुत सारी चुनौतियां आई, लेकिन चूंकि हम बिहारियों में एक जज्बा होती है लड़ने की, हम जल्दी हार नहीं मानते हैं, तो उस जज्बे ने टिकाए रखा और अब लोग मानने लगे हैं कि हाँ मैं अभिनेता ठीक ठाक हूँ। मैं 29 साल का हो गया था जब मुंबई गया था। आप एक 29 साल मतलब काफ़ी होता है, मैं बिल्कुल टीनेजर नहीं था, तो एक भय होता है, मेरी शादी हो चुकी थी, तो एक डर भी होता है कि यार ये पता नहीं ये इंडस्ट्री मुझे स्वीकारेगी नहीं स्वीकारेगी, क्या होगा। तो उस भय के चलते कई बार आप बहुत सारे स्पिरिचुअल चीज़ों में फंस जाते हैं, ये पूजा पाठ, अध्यात्म, अंगूठी, तो वो एक रिचुअल था, वो भय था कि पता नहीं ये मुंबई ये हमें स्वीकारे ना स्वीकारे, तो यार इस धरती को प्रणाम कर ले कि हम आ गए हैं दोस्त, आप कर्मभूमि आप बनने वाली हैं, तो कर्मभूमि है वो बस। मैंने थिएटर नहीं देखा है 10वीं क्लास तक, मैं सिनेमा हॉल अंदर से देखा भी नहीं था कि कैसा होता है। 10वीं के बाद मैं पटना आया तो मैंने पटना में कोई फिल्म देखी थी, मुझे याद है सड़क, सड़क के लिए मुझे रीजेंट सिनेमा में लाठी भी खानी पड़ी थी सड़क के ब्लैक टिकट खरीदने के दरमियान। तो ये किस्सा मैंने संजय दत्त को बताया था कि जी मैं आपकी फिल्म के चक्कर में लाठी खाया हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं था 10वीं तक नहीं था, इवन पटना में आने के बाद ग्रेजुएशन में मुझे अचानक थिएटर में देखने लगा और थिएटर करने लगा, और उसके बाद लगा कि यार ये तो बड़ा कमाल का चीज़ है, मुझे एक्टिंग करनी चाहिए। आप जब नितांत अकेले होते हो और आप संघर्ष कर रहे होते हो तो आपको अपनी क्षमता का अनुमान होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, बाकी किसी दूसरे को अनुमान नहीं होता है। मेरे माथे पर नहीं लिखा है कि मैं टैलेंटेड हूँ, आपके माथे पर नहीं लिखा है आप टैलेंटेड हैं, बट आप अगर जेन्युइन हैं, ईमानदार हैं, अगर आप क्राफ्ट को जानती हैं या मैं जानता हूँ, तो मुझे पता है कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे एक मौका चाहिए ढंग का। तो मुझे अपने क्राफ्ट पे भरोसा था, मैं एक्टिंग की बड़े बारीकियों से मैंने सीखा है, पढ़ा है, बहुत सारे गुरुओं के साथ रहा हूँ, तो अप्रोच मेरा अलग था, बट एक मौके की तलाश होती है कि एक मौका मिल जाए ढंग का जो आपको सही प्लेटफॉर्म दे दे। तो छोटे मोटे रोल्स में कई बार आप इग्नोर हो जाते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस भी दब जाती है या आप उभरने नहीं दिया जाता है। अभी तो बड़ा अजीब दौर से बॉलीवुड गुजर रहा है, अभी तो बड़े रोल्स में भी ज्यादातर अभिनेता जो है ना इनसिक्योर होते हैं, बड़े बड़े हीरो की बात कर रहा हूं मैं, तो बहुत लड़ाई है दोस्त, वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराना ना आसान नहीं है, बहुत लड़ाई का काम है। मुझे लगता है कि मेरे बनने में या मेरे विकास में जितना हाथ मेरे माँ बाप का है ना, उतना ही हाथ इस राज्य का है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। जब मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा था पटना में, साइकिल से हम घूमा करते थे सर्दियों में, रात रात को रिहर्सल करते थे, नाटक करते थे, तो एक चूंकि सुविधाएं नहीं थी बहुत ज़्यादा हमारे पास ना, तो उसने हमें थोड़ा ज़्यादा कठोर बना दिया, हमारे अंदर संघर्ष की क्षमता बढ़ा दी कि हम बहुत अच्छे माहौल में पले बढ़ते होते हैं, सुविधाएं होती हैं, तो हम थोड़े कायर हो सकते हैं। तो बड़ा योगदान है मेरे माँ बाप के साथ साथ इस राज्य का योगदान है, और मुझे लोग यहाँ पसंद करते हैं, या अगर कोई बच्चा मुझे मिलता है अचानक बेंगलोर में मिलते हैं कुछ बिहारी लड़के, मुझे हैदराबाद में मिलते हैं, आईटी सेक्टर में हैं, बोलते हैं कि आपकी कहानी हम जानते हैं, इंस्पायर होते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो यार मेरी जर्नी से कोई अगर इंस्पायर हो रहा है बिहार का कोई लड़का, तो बड़ी मेरे लिए तो उपलब्धि है। मैं चाहता हूँ सिनेमा वैसा हो नील भट्टे सन्नाटा जैसा कि पूरा परिवार बैठ के देखे और पूरा परिवार मनोरंजन करे, मनोरंजन के साथ साथ हम अपनी बात भी कह दें।